फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? हम तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सोचेंगे आज तो बिल्कुल भूतली बनी हुई है। आज मैं अपने बालों पे ऑयलिंग करूंगी। एक मिनट, थोड़ी टावल निकालूंगी कि धूप ज़्यादा है और कपड़े ऐसे पड़े हैं। कपड़े मैंने साइड में डाल दिए ताकि उधर थोड़ी कम धूप लगती है और इधर थोड़ी ज़्यादा लगती है, मतलब सामने ग्रिल के सामने ज्यादा लगती है। और आप बताइए, आप कैसे हो सभी? और आज मैं करने वाली हूँ बालों में ऑयलिंग, इसलिए मैं बनी हुई हूँ भूतनी। बाल खोले हुए हैं और मेरा फास्ट था शुक्रवार का, तो मैंने पूरा अपना फास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, घर का काम भी कर लिया है। अभी बस मैं बालों में ऑयलिंग कर लूँ, फिर उसके बाद 2-3 घंटा रेस्ट करके फिर उसके बाद मैं बालों को धो दूंगी, क्योंकि रात में मैं करने वाली थी फिर मैं भूल गई, वरना रात में करना चाहिए। रात में ऑयलिंग करके सो जाओ और सुबह को वॉश कर दो तो बहुत अच्छी। अभी देखो मेरे बाल बहुत, यानी कि ऐसे लग रही नाजुक से, कमजोर से, तो मैं काज कर लेते हैं, मैंने इसलिए धोए भी नहीं है। तो चलिए फिर करते हैं ऑयलिंग। बाहर आ गई हूँ अंदर से, अंदर थोड़ा अंधेरा था, यानी कि पूरी रोशनी, जब पर्दा हटाती हूँ तो फिर उजाला आता है ज्यादा। तो मैं नारियल के तेल से करूंगी अपने बालों में मसाज। और देखिए, सर्दी और गर्मी का एहसास, वहां पे सर्दी है तो ये बिल्कुल जमा हुआ है, यानी कि हमें गर्म पानी में इसको डाल के इसको पिघलाना पड़ता था, तब हम इसे लगा पाते थे। अभी देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सर्दी नहीं है तो यहाँ पे ये तेल भी एकदम नॉर्मल है जैसा रहता है। देखिए देखिए, बिल्कुल पिघला हुआ है। तो पता है सर्दी का एहसास हम कहाँ से कर सकते हैं कि जब तेल भी जम जाए नारियल का, तो वहां पे तो बहुत बुरा हाल है। तो चलिए करते हैं। तो मैं नारियल के तेल से ही करती हूँ, क्योंकि नारियल का तेल सबसे बेस्ट है बालों के लिए। भले ही आप कोई भी तेल लगाइए डेली में, लेकिन अगर आप बालों में मसाज वगैरह कर रहे हो तो आप नारियल के तेल से ही कीजिए, उससे बेस्ट कोई तेल नहीं है लगता मुझे तो। और अब तो हम गांव जाने वाले हैं, देखो मेरी थ्रेडिंग भी कितनी बढ़ रही है। पता है मैंने करवा चौथ पे बनवाई थी, और करवा चौथ से अभी तक मैंने बनवाई नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा इनको पूरा ग्रोथ बढ़ा के तभी बनवाती हूँ। और अभी हम जाने वाले हैं गांव, तो मैं कब जब ही बनवा लेंगे, तो अब तो इंतजार खत्म हुआ। कब से इंतजार कर रहे थे, दिसंबर कब आएगा कब आएगा, हालांकि दिसंबर आ गया है और इंतजार हुआ खत्म। अभी हमारे इस शायद 8 दिन ही बचे हैं जाने के, आने जाने के 8 दिन ही बचे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। फिर मैं आपको पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। सच में बहुत मिस करती हूँ मैं सबको, सबसे इतनी दूर आके अकेले अकेले रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो शुरू से ही परिवार में रहा है ना, वो एकदम अपने परिवार से अलग हो तो बहुत ही एक अजीब सा लगता है कि हम कहाँ आ गए। शुरू शुरू में बहुत अजीब लगा था, लेकिन अभी तो चलो ठीक है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, कमेंट्स किए, मैं रिप्लाई रात को ही करती हूँ, सॉरी आप सोचेंगे रिप्लाई नहीं करती, तो मैं तीनों चैनलों का रिप्लाई रात में ही देती हूँ। और अच्छे से अभी हो नहीं रही है, मेरे से होती नहीं है, वैसे मैं खुद से करती हूँ ना तो मेरे से होती नहीं है, कहीं छूट जाते हैं या तो मैं इनसे करवाती हूँ। ये बहुत अच्छी ऑयलिंग करते हैं पता है बालों में, पर हाँ बालों को तोड़ते जरूर हैं, यानी कि जोर जोर से मसाज करते हैं। इनको बहुत अच्छी करनी आती है, इनसे ही करा लेती हूँ। वैसे मैंने रात बोला था इनसे भी कि आप कर दो, फिर ये कहने लगे अभी तो मैं सो रहा हूँ, बोलती चलो तो रहने दो फिर सुबह करूंगी। मेरा क्या है ना, बस बाल जड़ों में जाने चाहिए, नो सॉरी, तेल जड़ों में जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। ऑयलिंग कर ली है अच्छे तरीके से, देखिए कितने चमक रहे हैं। मैंने क्या किया, अच्छे से तो मेरे से हो नहीं रही थी, तो मैंने कटोरी ऐसे ऊपर से डाल के और ऐसे से खूब खूब सारी मालिश की है, पूरे में पहुंच गया, देखो कितना सारा है इधर भी। अब थोड़ी देर कॉटन का दुपट्टा ओढ़ लिया है, ताकि अभी मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ये जो तेल है उन पे नहीं लगेगा, बिस्तर पे नहीं लगेगा, पिल्लो पे, इसलिए 2-3 घंटे के लिए रख के फिर उसके बाद में इसे धो दूंगी। और वैसे भी अब तो ससुराल जाने वाली हूँ, तो वहां तो सर ढकना ही पड़ेगा, घूंघट भी करना पड़ेगा, सब चीज करनी पड़ेगी। तो जल्दी मिलते हैं दोबारा। हेलो,
तो अभी सुबह से हाय कर रही हैं, अभी ऑफिस से आए हैं, अब इनको काम बता दिया है मैंने। आज पता है ना, मैं वो बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। आज मेरा फास्ट था तो मैंने 4 बजे ही आलू के पराठे बना लिए थे और बना के खा भी लिए, आप लोगों को खिलाए भी नहीं। तो मैंने कहा अभी तुम ना वो गाजर कसने में मेरी हेल्प कर दो, यानी कि गाजर कस ही दो, क्योंकि मैं मेरे जो राइट हैंड है उसमें एल्बो टेनिस का पेन होता है। तो ये खुद ही बोलते हैं कि हमारे पास फेविकॉल नहीं है, अगर हाथ वाथ टूट गया तो हम कैसे चिपकाएंगे, इसलिए खुद ही कर लेते हैं। कुछ बोलो ना, ऐसे बैठ गए तथास्तु जैसे वो ले लिया हो, क्या बोलते हैं उसको। अभी भी कहेगी तो मानना पड़ेगा, नहीं तो गाजर का हलवा नहीं मिलेगा खाने को। देख लो, राइट राइट बोला ना इन्होंने, और इनके इन्हें हाथ में प्रॉब्लम है, इसलिए हमको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे, मजबूत मजबूत वाले हाथ। मजबूत वाले हाथ। चलो तो गाजर कसते हैं और ऐसे तो करा देते हैं, खैर ये हेल्प, लेकिन इसके इन सॉरी इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इनका मूड है तो करा लो कितना भी काम। मुझे कपड़े नहीं धुलने पड़ते, मुझे बर्तन भी नहीं मांजने पड़ते। देखो देखो नहीं, अच्छा वो करना है क्या आपको? हमें नहीं करना है वो। वो नहीं करना। चलो आप, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हो तो इंजीनियर ही बन के रहो, ये काम के लिए तो हम लेडीज बहुत हैं। तो चलिए गाजर कस लेते हैं, ये मेरी हेल्प करेंगे, मैं तब तक दूध चढ़ा लेती हूँ। तो अभी ये गाजर कस रही हैं, यानी कि मेरे हाथ में दर्द हो जाता है, पीएमएस सोचना कि हस्बैंड से काम करा रही है। मेरे हाथ में ना एक्चुअली एल्बो टेनिस है तो उसका मुझे पेन हो जाता है, राइट हैंड में ही है। तो डॉक्टर ने टेनिस एल्बो ये, हाँ, उससे पता नहीं मेरे कैसे हो गया, तो उससे मेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। तो मैंने ऑपरेशन तो नहीं करवाया क्योंकि फिर उसमें पूरा हिस्सा कट होता तो फिर मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती सीधे हाथ से। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके हाथ में फिर से पेन हो जाए। जैसे मैं थोड़ा बहुत ब्रश लगा लेती हूँ कपड़ों में या कुछ भी ऐसे इस हाथ से कर लेती हूँ तो मुझे फिर से पेन होने लगता है, तो इसलिए ये मेरे से करने नहीं देते। बोलते हैं कि हमारे पास फेविकॉल भी नहीं है, हम कैसे चिपकाएंगे तुम्हारा हाथ, तो इसलिए ऐसा जैसे बोझ उठाना ये सब चीज़ें मेरे से करवाते नहीं है ये। तो इसलिए मैंने सुबह से बनाया नहीं था और ये जबरदस्ती मैंने कहा अब घर चल रही हैं हम अगले हफ्ते, क्योंकि वहाँ पे एक तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई छोटी है, क्योंकि हम कम ही बर्तन लेके आए थे, अब की बार मैं लेके आऊँगी अपनी शादी वाली कढ़ाई, वो काफ़ी बड़ी है। और वहाँ पे तो 5-5 किलो दूध का, 5-5 किलो गाजरों का हलवा बनता है, यहाँ पे थोड़ा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक तो बर्तन छोटा है, फिर मैं 2 किलो दूध और 2 किलो गाजर ली है मैंने, उनमें से भी मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। तो ये पूरा मैं कहा आप कस दीजिए, मैं इतने और काम कर लेती हूँ, तब तक मैं दूध निकाल के कढ़ाई में चढ़ा दूंगी और जो गाजर हैं उनके लिए कुकर निकाल लूंगी, क्योंकि जो हम मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। जो ये अभी कह रहे हैं ये कि मेरे से गाजर का सवारी कहेंगे सब कि अपने हस्बैंड से काम करवा रहे, में कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने बोला इनसे मैं खिला थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं रहने दे मैं कर लूंगा, कितना टाइम लगता है इसमें। तो अभी हम बैठे हुए हैं तो अभी बस मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ, और हो जाएंगी ये कस के तो फिर मैंने अच्छे से वॉश करके कसवाई है, यानी कि धो के छील के अब यहाँ से साफ कर दूंगी। ये बेड पे ही बैठ के काट रहे थे, मैं कह रही थी कितनी बार हाय करोगे, बोल रहे तो वैसे तो कुछ बोलने नहीं देती, हाय कर लेते हैं चलो। और बस यहाँ से थोड़ा सा बेड को क्लीन कर दूंगी। अब ये जो गाजर हैं इनको मैं भूल गई थी, मैंने डायरेक्ट डाल दिया, फिर मुझे एकदम से याद आया और इनका तो पानी निकालना था, फिर से मैंने ऐसे निचोड़ निचोड़ के, क्योंकि फिर क्या है ना अगर हम पानी को निकाल देंगे, भले ही आप इसे पी सकते हो क्योंकि गाजर का पानी तो अच्छा रहता है, और मैंने ये पूरा निचोड़ के ही कुकर में 1 सीटी लगाई ताकि ये अच्छे से गल जाएं, क्योंकि डायरेक्ट दूध में डालते हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि इनको ये करते रहें। तो मैंने पानी अच्छे से निचोड़ के और इसमें डाल के 1 सीटी लगाने तक इसको उबाला, तब तक ये चला रहे हैं इसको। ये खुद से ही बोल रहे थे कि इन्होंने निकाल दिया थोड़ा सा दूध, तो फिर मैंने फिर से गैस को क्लीन किया, मैं कुछ काम का हम बातें करने लगे, थोड़ा सा निकल गया, मैंने कि चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कहने लगे चलो और दूध ले क्या, मैंने कह रहे रहने दो इतना ही आ जाए इसमें, और फिर दूसरी कढ़ाई भी निकाली थी मैंने, तो मैंने कहा चलो इसमें ही काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ, यानी कि बादाम है उसमें, इलायची है, और किशमिश उस दिन तो मिली नहीं थी अब मिल गई मुझे, और जो चीज़ें होती हैं और गोला है, ये 2-4 चीज़ें मैं कट कर लूँगी। वैसे गाजर के हलवे में इतनी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने डाल दिया,
इलायची पाउडर डालने से तो अच्छा उसमें खुशबू हो जाती है, यानी कि अच्छा लगता है उसका हलवा। गाजर उसमें किशमिश, सॉरी वो इलायची डाल देते हैं, जुबान लड़खड़ा जाती है, तो अच्छा लगता है। तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं आपस में, ऐसे ये सॉन्ग गा रहे थे कि हाय हाय ये मजबूरी। मैं कि गा लो तुम, सुना लो तुम्हारी आवाज काट दूंगी, तुम खूब सॉन्ग सुना लो और यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है। अच्छा लगता है जब ऐसे काम करते हैं, बातें करते हैं, तो क्योंकि ये अब तो 2 दिन की इनकी छुट्टी है, सैटरडे संडे की। हमने मुंबई जाने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर हम अगले हफ्ते गांव जाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, गोले को मैं कस के ही गेरूंगी, क्योंकि वो कस के ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अभी साइडों से लग गया है ये, तो मैं कहा इसको अच्छे से खुरच लो, फिर ये कढ़ाई साफ नहीं होगी। तो ये वही कर रहे थे। और उसके बाद अभी हम गाजर को नहीं गेरूंगी, गाजर जब गेरनी है, जब ये थोड़ा सा रह जाए दूध, यानी कि अच्छे से चला के थोड़ा थोड़ा सा जलने लगे, तो ये थक गए हैं खड़े खड़े। मैंने चेयर ला के दी, चेयर से थोड़ा नीचा हो रहा था, मैं कहा आप स्लीप पे बैठ जाओ, तो ये उसी पे बैठ के चलाएंगे। दूध ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, मैंने कि पानी के छींटे लगा दिया करना, जैसे ही ऊपर आए तो उसको पानी के छींटे, तो अब ये स्लीप पे बैठ गए। मैं कि आराम से बैठना, कहीं गैस वैस ये नहीं जल, दूध दूध ना नीचे पैर वैर पे गिर जाए। तो ये बोल रहे नहीं कुछ नहीं होगा, तो थक जाते हैं ना खड़े खड़े, वैसे भी ऑफिस से आए थे तो ऑफिस में इतना काम होता है, और इस वजह से। पर ये करा रहे हैं मेरी पूरी हेल्प, तो मैं यहाँ से चीनी निकाल लूँगी, क्योंकि चीनी इसमें, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हो, गाजर का हलवा तो खैर सभी को बनाना आता है, और कई तरीके से बनता है ये, इजी तरीके से भी बनता है। हमारी मेरी जो सासू माँ है वो तो और भी हार्ड तरीके से बनाती हैं, वो तो पहले खोआ आप जैसे 5 किलो दूध ले लिया, अभी कुछ गा रहे हैं हाय हाय ये मजबूरी, वही गाना गा रहे हैं। आपको सुन नहीं रहा, मैंने इनकी आवाज़ काट दी है, तो अभी मैंने इसमें सब चीज़ डाल दी है। वो वीडियो ही ऑन करना भूल गई मैं यहाँ से, तो मैंने इसमें चीनी, चीनी तो भी नहीं डाली, सॉरी, मैंने इसमें गोला किशमिश, किशमिश भी शायद नहीं डाली, इलायची पाउडर, और क्या डाला मैंने, मैंने क्या डाला इसमें, मतलब 2 चीज़ डाल दी मैंने, किशमिश ऊपर से डालूंगी, इलायची पाउडर भी डाल दिया, हाँ बादाम भी डाल दिए, और उसके बाद चीनी अभी थोड़े, मतलब 4-5 मिनट चला के उसके बाद मैं कहा चलो तुम इतने बैठ जाओ मैं चलाती हूँ, तो ये बोल रहे चलो ठीक है, तो मैं चला चला रही है, तो ये